लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो जवान एवं एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत पर संपूर्ण देशवासी आहत हैं तथा इन तीनों जाबाजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं बिहार के गया में कांग्रेस पार्टी एवं युवा कांग्रेस के लोगों ने तीनों जाबाजों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी एवं उनके जज्बों को सलाम किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहमगत प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, निशांत कुमार, श्रीकांत शर्मा, युवा कांग्रेस के शिवम आनंद, अपर्त सिन्हा, अंकित सिन्हा, सौरभ शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच महीनों से सीमा विवाद की बातें मीडिया में आ रही है। नेताओं ने कहा कि विगत 40 वर्षों के बाद ऐसा मौका है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसी घटना हुई है। लद्दाख के गलवान नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीन के सैनिक में हुए मुठभेड़ में भारत के सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी और दो जंबाज शहीद हो गए तो कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में आज उन जंबाज शहीदों को कैंडल जलाकर के श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। आज पूरा देश मर्माहत है क्योंकि 40 वर्षों के बाद ये ऐसा वाकया हुआ है कि भारत चीन सीमा पर हमारे देश के एक अधिकारी और दो जंबाज सैनिक शहीद हुए हैं। उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जज्बे को पर हम गर्व करते हैं। उनके लिए आज हम कैंडल जला करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।